Good afternoon, students. This is Shashi Verma, and today we'll understand a new topic, that is subject verb agreement. So, first of all, we should know that what is the subject. So, subject is a doer. Doer means who can do a work, who do a work in a sentence. Okay, who does the main activity in the sentence, or the person who does the main work or action in the sentence. So doer, who is doer? Doer kon hua? जो सेंटेंस के अंदर मेन एक्शन करेगा, मेन काम करेगा, उसको हम ड्यूअर कहेंगे, एंड दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. ओके, एंड देन इट मे बी नाउन और प्रोनाउन. अब इसमें सब्जेक्ट हमारा दो ही चीज हो सकता है, या तो वो नाउन है या फिर प्रोनाउन है. और नाउन और प्रोनाउन मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर में कि नाउन और प्रोनाउन क्या होते हैं. सो एंड नाउन एंड प्रोनाउन, और ये दीज नाउन एंड प्रोनाउन मे बी सिंगुलर और प्लूरल. ओके, सो ये सिंगुलर या प्लूरल. सिंगुलर यानी एक हो सकते हैं, प्लूरल मीन्स ज़्यादा भी हो सकते हैं. अब दोनों तरह से हमारे नाउन और प्रोनाउन यहाँ पर आते हैं. तो इट मीन्स सब्जेक्ट क्या हुआ, सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट इज द ड्यूअर, ड्यूअर है. सेकेंडली वो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है. तो इसमें हमें तीन बातें पता चली हैं. फर्स्ट इज द सब्जेक्ट ड्यूअर है, मीन्स पर्सन हु डज द मेन वर्क. सो सब्जेक्ट इज द ड्यूअर. सेकेंड, सब्जेक्ट में भी नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है. और थर्ड चीज़ क्या है कि ये नाउन और प्रोनाउन सिंगुलर या प्लूरल हो सकते हैं. ओके, सो अकॉर्डिंग टू इट विल चूज द verb. So the next term that I would like to tell you is, wait a minute, yes, that what is verb. What is verb? अब आगे चलने से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि verb actual में क्या होती है. So verb means the word that tells about the action done in the sentence. अब वो word जो हमें sentence के अंदर action के बारे में बताए कि action के बारे में बताए कि verb sentence के अंदर action क्या हुआ है, that is your verb. Okay? Then verbs are of two types, finite verb and secondly infinite verb. A finite verb means that change, finite verb means that change according to the number, according to the gender, according to the time, wo finite verb hota hai. Finite kya hota hai? Aisa verb jo time, tense, सिंगुलर, प्लूरल या जेंडर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, उसको हम फाइनाइट कहते हैं. और इनफाइनाइट वर्ब कौन सा होता है? इनफाइनाइट वो वर्ब होता है दैट डू नॉट चेंज, जो चेंज नहीं होगा. ओके, दैट इज़ इनफाइनाइट वर्ब, जो किसी भी इन टर्म्स में, चाहे टेंस हमारा चेंज होता है, चाहे जेंडर चेंज हो, चाहे हमारा नंबर चेंज हो, पर वर्ब, ये वाला वर्ब चेंज नहीं होगा, इसको हम इनफाइनाइट वर्ब कहते हैं. अब हम यहाँ पे इनफाइनाइट वर्ब की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे वर्ब एंड सब्जेक्ट एग्रीमेंट की बात करेंगे. तो हम फाइनाइट वर्ब और सब्जेक्ट के रिलेशन के बारे में बात करेंगे. सो थर्ड है, फाइनाइट वर्ब आर बी फॉर्म्स इन एक्शन वर्ड्स. ये पहले की वीडियोज में आपने देखा होगा कि बी फॉर्म्स क्या होती हैं. नहीं देखा है तो आप फिर से उन्हें देखिए. बी फॉर्म्स क्या होता है और एक्शन वर्ड्स क्या होता है, ये दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियोस में मैंने आपको बताया है. सो
फाइनाइट वर्ब को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वैसे तो इनका डिविज़न बहुत वाइड होता है, बट यहाँ पर इस टाइटल के लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए जो हमें डिविज़न चाहिए वो यही है बी फॉर्म्स एंड एक्शन वर्ब्स का. ओके, सो यहाँ पर तीन चीज़ें हमें पता चली हैं वर्ब में. नंबर वन कि वर्ब क्या है, वर्ब इज एक्शन, एक्शन वर्ड्स, ठीक है. सेकेंडली वर्ब है फाइनाइट और इनफाइनाइट. थर्ड, फाइनाइट वर्ब आर बी फॉर्म्स एंड एक्शन वर्ड्स. तो तीन चीज़ें हमें यहाँ पर पता चली हैं. सो नेक्स्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. अब सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट है क्या, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, इसके बारे में हम बात करेंगे कि हम किस चीज़ के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये एग्रीमेंट है क्या, क्यों हम इस टॉपिक को रीड कर रहे हैं. सो इट इज़ द रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब. ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का रिलेशन है इन विच अ वर्ब इन अ सेंटेंस इज डिसाइडेड according to kind of subject, whether it is singular or plural. So, ये हमने यहाँ पर बात कही कि agreement क्या है, agreement relation है किसके बीच में, subject और verb के बीच में, जिसमें क्या होगा, जिसमें verb को हम sentence में जो verb use होगी उसको हम decide करेंगे किसके according, kind of subject के according, means के सब्जेक्ट का प्लूरल और सिंगुलर होना डिसाइड करेगा वर्ब को. दिस इज द एग्रीमेंट. ओके, दिस इज द एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब कि सब्जेक्ट जिस फॉर्म में होगा उसी तरह का हम वर्ब यूज करेंगे. दिस इज द रिलेशन बिटवीन देम. सो लेट्स स्टडी अबाउट इट. नेक्स्ट वी हैव एग्रीमेंट नंबर वन. सो एग्रीमेंट वन हमारा कौन सा है, एग्रीमेंट वन हमारा क्या है, व्हेन द सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर नाउन्स एंड प्रोनाउन्स जॉइंड बाय एंड अ प्लूरल वर्ब इज यूज्ड. ओके, हाउएवर इफ द नाउन्स एंड प्रोनाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग अ सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड. क्या इसमें कहा गया है कि यदि एक सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट के अंदर टू नाउन्स या प्रोनाउन्स है और उन दो या दो से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउन को हमने एंड से जॉइन किया है, एंड से जॉइन किया है, तो हमारे पास हम हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे. अब आप प्लूरल वर्ब कौन सी हैं इसको आप वर्ब वाली वीडियो में चेक करेंगे. नहीं ध्यान आता है आप वापस जाइए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको वर्ब करवाया था, वहाँ पर आप देखिए कि कैसे सिंगुलर वर्ब है और कौन सी प्लूरल वर्ब है. उसमें फाइव टाइप्स ऑफ वर्ब आपको करवाई हैं, यू कैन सी दैट. ओके, देन अब दूसरी बात यहाँ पर ये कही है कि जो वो नाउन और प्रोनाउन है, हमने एक के लिए दो चीज़ें कही हैं, मीन्स एक सेम पर्सन के लिए यदि हमने दो चीज़ों को बोला है बट ये पर्सन इज सेम, तो सिंगुलर वर्ब हम यूज़ करेंगे. कैसे, हम यहाँ एग्जांपल्स में देखते हैं. मनु एंड आई वर द होस्ट ऑफ द पार्टी. अब यहाँ पे टू पर्सन है, मनु आई टू पर्सन है और एंड से हमने उसको ज्वाइन किया है, तो इट मीन्स हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब यानी वर्ब यूज़ करेंगे. ओके, देन नेक्स्ट में देखिए एयर एंड वाटर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पे हमने आर यूज़ किया है, आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल. अंडरस्टूड. देन यहाँ थर्ड में देखिए ऑथर एंड द पब्लिशर मिस्टर सहानी. अब देखने से हमें पता चलता है कि ऑथर एंड द पब्लिशर, ऑथर राइटर है और पब्लिशर उसको पब्लिश करने वाला. अब यदि मिस्टर सहानी नहीं होता तो ऑथर एंड द पब्लिशर, तो इट मीन्स हम दो डिफरेंट पर्सन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, बट ऑथर एंड पब्लिशर लिखने के बाद मिस्टर सहानी वर्ड लगाया गया है, इट मीन्स मिस्टर सहानी ऑथर हैं और पब्लिशर हैं,
तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, सो इसीलिए हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, दैट इज इन टाउन टू इनॉग्रेट द बुक फेयर. ओके, सो ये इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है. दिस इज़ द एग्रीमेंट नंबर वन. क्या था? यदि दो नाउन और प्रोनाउन, दो या दो से ज़्यादा नाउन और प्रोनाउन यदि एंड से ज्वाइन होते हैं देन वील यूज़ प्लूरल वर्ब, पर यदि एक सिंगुलर वर्ब के बारे में ही दो चीज़ें दी हैं, सिंगुलर नाउन के बारे में ही दो चीज़ें दी हैं, तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे. Then some more examples we have here. You can see it is said that beauty and brain do not go together. अब do जो हमारा helping verb है, do plural verb है. अब यहाँ पे beauty and brain दो different चीज़ें हैं, so इसीलिए हमने यहाँ पे do use किया. Dev and Anuj two different person हैं, it means subject आपका plural हो गया, very right. देन हमने आर यूज़ किया, आर गोइंग टू गोवा दिस वीकेंड, सो दिस आर जो है हमारा प्लूरल वर्ब है. देन द लॉजिक एंड द रीजनिंग ऑफ द थियोरी इज गिवन बिलो. अब लॉजिक और रीजनिंग एक ही बात होती है, लॉजिक और रीजनिंग ओके ऑफ द थियोरी, सो इसीलिए हमने इज, यहाँ पर सिंगुलर है तो इसीलिए हमने यहाँ पे इज यूज़ किया है. द सिंगर एंड द एक्टर, अब देखिए यहाँ पे किसी पर्सन का नाम नहीं है बट दो अलग अलग पर्सन के बारे में बात हो रही है, सिंगर के बारे में और एक्टर के बारे में. दोस्तों द सिंगर एंड द एक्टर वर वियरिंग सिमिलर जैकेट्स, तो इसीलिए हमने वो प्लूरल वर्ब यहाँ पर यूज़ किया. यू एंड शी तुम और वह, सो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया है. देन वी यूज़ हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द कॉम्पिटिशन, सो यहाँ पे यू एंड शी इट मीन्स सब्जेक्ट इज योर प्लूरल, then we use plural verb here. Okay, then next we have agreement number 2. In agreement 2 we can see the words such as, in ye bache agreements you have to learn, aapko ye learn karne padenge, example se aap samajhiye ki kaise humne inko use karna hai. Par agreements jitne bhi hain, I think 6 agreements hain, तो 6 के 6 एग्रीमेंट्स आपको याद करने पड़ेंगे, देन यू कैन यूज़ इट ईजीली. ओके, तो एग्रीमेंट 2 है हमारा कि वर्ड्स, ये वर्ड्स एज अ, जहाँ पे हम इन्हें यूज़ करते हैं, नाइदर, आइदर, ईच, एवरीवन, वन ऑफ द, मच, लिटल एंड लेस. जर्नली टेक्स सिंगुलर वर्ब्स. अब क्या कहा गया है इस एग्रीमेंट में, यदि किसी भी सेंटेंस में नाइदर, अब नाइदर देखिए दोनों में से कोई भी नहीं, अब दोनों में से कोई भी नहीं होगा तो हम उसको सिंगुलर में यूज़ करेंगे. आइदर, आइदर मीन्स दोनों में से कोई भी एक, तो वो सिंगुलर हो गया. ईच, ईच यहाँ पे हम हर एक की बात कर रहे हैं, मीन्स हर किसी की, प्रत्येक, हर एक की बात कर रहे हैं, तो ईच आ गया. इसी तरह से एवरी वन, यहाँ पे भी सिंगुलर और सिंगल के बारे में बात की गई है. वन ऑफ द, कि किसी भी ग्रुप में या किसी भी पर्सन के बीच में बात हुई है तो हम कह रहे हैं वन ऑफ द, यानी तुम इन सब में से कोई भी एक, तो यहाँ पे हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं. मच, मच क्योंकि आपका अनकाउंटेबल है तो इसको भी हम एज अ सिंगुलर हम इसको लेंगे. एंड लिटल, लिटल भी आपका लिटिल भी आपका अनकाउंटेबल है तो इस, और इसी तरह से लेस, तो इसीलिए इनको भी हम सिंगुलर वर्ब्स में यूज़ करते हैं. तो ये सभी जो वर्ड्स हैं ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, नाइदर, आइदर, ईच, एवरीवन, वन ऑफ द, मच, लिटिल, लेस. ओके, दैट यू हैव टू लर्न. देन वी सी इट्स एग्जाम्पल्स. अब इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं बच्चों, क्या है. देखिए, एवरी वन होम वी इन्वाइटेड हैज़ टर्नड अप, हैज़ हमारा है सिंगुलर वर्ब, गुड. मच ऑफ द होमवर्क इज ऑलरेडी डन. अब मच ऑफ द होमवर्क, होमवर्क को आप काउंट नहीं कर सकते हैं कि कितना हुआ, सो इसलिए हमने इसको सिंगुलर लिया, इज लिया. Neither of the two brothers was selected for the team. दोनों में से कोई भी ब्रदर सेलेक्ट नहीं हुआ, सो सिंगुलर वर्ब हमने यूज़ किया.
then only one of the five contestants is going to win the prize. Only one of the five. कि इन five contestants में से कोई भी एक prize जीत रहा है. तो इसीलिए हमने यहाँ पे is हमने यहाँ पर use किया. So these are the examples. I hope you understood. Then next we have agreement three. Agreement three हम देखेंगे. Agreement three क्या है? Some words can refer to amount or quantity as well as number. अब ये पहली चीज़ इसमें बताई है क्या कि कुछ words ऐसे होते हैं जो amount को present करते हैं, कुछ quantity को present करते हैं. Amount और quantity एक ही चीज़ है. और कुछ number को भी represent करते हैं. So उस केस में हम क्या करेंगे? When these words refer to amount or quantity, क्योंकि amount और quantity को हम count कर सकते हैं, amount और quantity को हम count नहीं कर सकते, so वहाँ पर हम singular verb use करेंगे. और second है, when these words refer to number, number means in numeral 1, 2, 3, 4. So, इनको हम काउंट कर सकते हैं तो वहाँ पे हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे. ओके और कौन कौन है? फॉर एग्जांपल कौन कौन से वर्ड्स हैं आप देखिए यहाँ पर. नॉन, अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ एसेट्रा आर सच वर्ड्स. इसको ध्यान से एक बार देखेंगे आपको समझ में भी आ जाएगा कि क्या बताया जा रहा है, क्या इसमें बताया है. क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं. अब ये जो वर्ड्स हैं अ लॉट ऑफ बुक्स, इस तरह से हम इन्हें यूज़ करेंगे. आगे आप एग्जांपल में देखेंगे. तो ये जो वर्ड्स हैं ये नंबर और क्वांटिटी दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं. पर जब ये क्वांटिटी या अमाउंट को रिप्रेजेंट करेंगे तब हमें सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है. और जब ये नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तब हमें प्लूरल वर्ब यूज़ करना है. ये हमें इसमें ध्यान देना है. नेक्स्ट देखिए इसके एग्जांपल्स. अब नन का एग्जांपल है. नन ऑफ द वर्क वाज कंप्लीटेड. नन ऑफ द वर्क वाज कंप्लीटेड. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए वर्क को आप काउंट नहीं कर सकते हैं तो इसीलिए हमने यहाँ पे वाज यूज किया. सिंगुलर वर्ब हमने यहाँ पर यूज किया. अब देखिए अ लॉट ऑफ एनर्जी. एनर्जी को आप काउंट नहीं कर सकते हैं इन नंबर. नंबर में आप इसको काउंट नहीं कर सकते हैं तो इसीलिए सिंगुलर वर्ब हमने यहाँ पे यूज़ किया. अ लॉट ऑफ एनर्जी वॉज वेस्टेड ऑन फाइंडिंग द ट्रेजर. देन अ लॉट ऑफ बुक्स. अब देखिए स्टूडेंट्स बुक्स यू कैन काउंट. बुक्स आप काउंट कर सकते हैं. देन हमने यहाँ पे प्लूरल वर्ब लिया है. हैव बीन रिटन ऑन द होम रेमिडीज. इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. बस थोड़ा सा ध्यान से सुनिए देखिए आपको समझ में आ जाएगा. अ वेराइटी ऑफ म्यूजिक इज अवेलेबल. अब म्यूजिक को हम काउंट नहीं कर सकते हैं. इट इज़ अनकाउंटेबल. तो इसलिए सिंगुलर लेंगे इज आया. इज अवेलेबल हेयर. अब अ वेराइटी ऑफ म्यूजिक एल्बम्स. एल्बम्स को आप काउंट कर सकते हैं. तो इसीलिए हमने यहाँ पर आर यूज़ किया. आर अवेलेबल हेयर. अंडरस्टूड. अब देखिए एक ही रहें के दो एग्जांपल्स हैं. आपको समझ में आएगा कि कौन सा नंबर के लिए है, कौन सा क्वांटिटी के लिए है. तो इजीली आप इसको समझ सकते हैं. अब प्लेंटी ऑफ का देखिए. प्लेंटी ऑफ हेल्प. हेल्प को हम काउंट नहीं कर सकते. सो हैज़ यहाँ पर यूज़ किया गया है. हैज़ बीन ऑफर्ड टू पुअर फैमिली. हैज़ है तो हैज़ क्या है हमारा सिंगुलर वर्ब. देन प्लेंटी ऑफ ट्रीज. ट्रीज को आप काउंट कर सकते हैं. प्लेंटी ऑफ ट्रीज वर अपरूटेड इन द स्टॉर्म लास्ट नाइट. सो यहाँ पर वर हमने यूज़ किया. ट्रीज को काउंट कर सकते हैं तो प्लूरल वर्ब हमने यहाँ यूज़ किया है. वर अपरूटेड इन द स्टॉर्म लास्ट नाइट. ओके सो यहाँ पर आपका प्लूरल वर्ब आ जाता है और इधर आपका सिंगुलर वर्ब आ जाता है. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. ओके देन एग्रीमेंट नंबर फोर. व्हाट इज एग्रीमेंट नंबर फोर? क्या है एग्रीमेंट नंबर फोर? व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू नाउन्स और प्रोनाउन्स.
जब सब्जेक्ट में टू नाउन्स या प्रोनाउन्स आ जाते हैं दैट आर जॉइंड बाय एज वेल एज और विद, और उन वो दोनों जॉइन है किस कंजक्शन से, एज वेल एज से या फिर विद से. ओके, सो द वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट नाउन दैट यू हैव टू लर्न. बच्चे दो ही चीज़ें हैं, एज वेल एज या फिर विद से. यदि जो एक सब्जेक्ट के अंदर टू नाउन्स या प्रोनाउन्स हैं और उनको एज वेल एज या विद से जॉइन किया हुआ है तो फर्स्ट नाउन को देखकर आप वर्ब यूज करेंगे. ओके, फर्स्ट नाउन को देखकर, फर्स्ट प्लेस पर जो नाउन लगा है उसको देखकर आप अपना वर्ब डिसाइड करेंगे. लेट्स सी हाउ इन एग्जांपल्स. See this, the engineer as well as the two subordinates was present at the site. अब देखिए as well as के साथ join है engineer and the two subordinates. Two subject के अंदर two dears हैं हमारे, first engineer है then two subordinates. एक singular है और दूसरा plural है, पर condition क्या है कि यदि as well as से join है तो हम फर्स्ट जो डियर है उसको हम देखेंगे. तो फर्स्ट डियर हमारा सिंगुलर है तो हमने यहाँ पे वॉज यूज़ किया, वॉज प्रेजेंट एट द साइट. अंडरस्टूड? अब यदि ये उल्टा होता, अब ये होता कि द टू सबॉर्डिनेट्स एज वेल एज द इंजीनियर, सो हम यहाँ पर वर यूज़ करते क्योंकि फर्स्ट जो डियर है हमारा वो प्लूरल है तो, और हमने यहाँ पर फर्स्ट को देखना है सेकेंड को नहीं देखना. ओके, देन आई एज वेल एज स्वाति. अब देखिए एज वेल एज से ज्वाइन है सो आई एज वेल एज स्वाति. अब हम यहाँ पे किसको कंसिडर करेंगे, आई को, फर्स्ट को. तो स्वाति के बाद हमने एम लगाया है. देखिए आई एज वेल एज स्वाति एम गोइंग फॉर अ पार्टी. सो यहाँ पे हमने एम यूज़ किया है क्योंकि एज वेल एज से ज्वाइन है तो हम फर्स्ट सब्जेक्ट को देखेंगे. देन थर्ड नेक्स्ट देखिए, the doctor with his team has reached the operation theater. अब यहाँ पे किसको देखना है, किसको consider करना है, doctor को. doctor with his team और has भी है आपका singular verb. okay, then child with his parents is waiting outside the principal's office. अब देखिए with से join है, विद से ज्वाइन है तो आप यहाँ चाइल्ड को कंसीडर करेंगे, द चाइल्ड. तो इसीलिए हमने यहाँ पर इज यूज़ किया है, इज वेटिंग आउटसाइड द प्रिंसिपल्स ऑफिस. देन नेक्स्ट है अंशु एज वेल एज द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली इज शिफ्टिंग टू मुंबई. अब यहाँ पे भी आप देखेंगे हम क्या एज वेल एज से ज्वाइन है सो हम किसको कंसीडर करेंगे, अंशु को. अंशु को देखकर अंशु सिंगुलर है तो हमने यहाँ पर इज यूज किया जो कि हमारा सिंगुलर वर्ब है. आई होप यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वी हैव एग्रीमेंट नंबर 5. एग्रीमेंट नंबर 5. अब यहाँ पे आप देखेंगे एग्रीमेंट नंबर 5 क्या है. अब इफ टू सब्जेक्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, यदि सेंटेंस के अंदर टू सब्जेक्ट्स हैं एंड देट आर जॉइंड बाय द कंजक्शन, ये इन कंजक्शन से ज्वाइन है, कौन सी कंजक्शन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नोर. ओके, यदि इन कंजक्शन से टू सब्जेक्ट्स ज्वाइंड हैं कौन कौन सी, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नोर. नॉट ओनली बट ऑल्सो क्या है कि वो ही नहीं परंतु ये भी, दो दो क्वालिटीज हमने दी होती हैं और या दो पर्सन होते हैं और उसको हम इस तरह से ज्वाइन करते हैं. विल सी इन एग्जांपल्स. देन आइदर और मींस दोनों में से कोई भी एक, और नाइदर नोर मींस दोनों में से कोई भी नहीं. ओके, जहाँ पे नाइदर था उसका अलग हमने केस दिया था जहाँ पर ओनली नाइदर यूज हुआ था, बट यहाँ पर आप देखेंगे टू कंजक्शंस यूज हुई हैं, नाइदर नोर, आइदर और, एक ग्रुप में ये यूज हुई हैं. सो जहाँ पर ये इस तरह की कंजक्शन यूज हैं उसमें हम लेटर सब्जेक्ट मींस बाद वाले सब्जेक्ट को हम कंसीडर करेंगे. इससे पहले एग्रीमेंट 4 में हमने फर्स्ट सब्जेक्ट को कंसीडर किया था,
एज वेल एज और विद वाली कंडीशन में, बट यहाँ पर एग्रीमेंट नंबर 5 में हम नॉट ओनली बट ऑल्सो आइदर और नाइदर नॉर के केस में हम लेटर यानी सेकेंड सब्जेक्ट को हम सेकेंड ड्यूर को हम कंसीडर करेंगे. ओके लेट सी इट्स एग्जाम्पल्स. इट्स एग्जाम्पल्स आर यू कैन सी नॉट ओनली रवि बट हिज फ्रेंड्स. अब हमें किसको देखना है स्टूडेंट्स, सेकेंड ड्यूर को. सेकेंड ड्यूर कौन है, फ्रेंड्स जो कि क्या है प्लूरल, ऑल्सो आर कमिंग टू द पार्टी. सो इसीलिए फ्रेंड्स प्लूरल है तो हमने प्लूरल वर्ब यूज किया, आर यहाँ पर आया. नेक्स्ट देखिए, नॉट ओनली द अरोरा फैमिली बट आई ऑल्सो एम कमिंग टू द पार्टी. अब देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो से कनेक्टेड है. अब सेकेंड जो ड्यूअर है वो कौन है, फर्स्ट ड्यूअर है अरोरा फैमिली, सेकेंड है आपका आई. सो आई हमने यहाँ यूज आई को कंसीडर किया और आई के साथ हमेशा प्रेजेंट टेंस में एम लगता है, सो हमने एम यूज किया, एम कमिंग टू द पार्टी. नेक्स्ट देखिए, आइदर और नाइदर नोर का एग्जाम्पल है. आइदर यू और सीमा इज गोइंग टू क्लीन द रूम. यहाँ पर सीमा सिंगुलर, सो इज सिंगुलर वर्ब. देन नाइदर सीमा नोर यू. अब देखिए उल्टा है यहाँ पर, नाइदर सीमा नोर यू. अब यहाँ पे सेकेंड कौन हो गया, सेकेंड सब्जेक्ट हमारा कौन हो गया, यू. तो हमने यूज किया प्लूरल वर्ब यू के साथ हमेशा. यू को एक उसमें मैंने आपको बताया भी होगा कि यू जो है यू हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज़ होता है, पर वो सेंस पर डिपेंड करता है आप कहाँ बोल रहे हैं, बट इसके वर्ब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सो चाहे आप सिंगुलर या प्लूरल किसी के लिए भी आप यू यूज़ कर रहे हैं, यूज़ दोनों के लिए यूज़ होता है. और यदि यहाँ पर आप देख और सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज़ होता है, और उसी दोनों के केस में ही हम आर यूज़ करते हैं, कभी भी इसके साथ इज़ यूज़ नहीं होता. सो ये यहाँ पर एक्सेप्शनल केस है. ओके सो यू के साथ हमने आर यूज़ किया, आर गोइंग आउटसाइड टू नाइट. ओके आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ वी सी द नेक्स्ट एग्रीमेंट नंबर 6. Now you can see the agreement number 6. Agreement number 6 kya hai? Some nouns are plural in form but singular in meaning. Ab kuch nouns dekhne mein plural hume lagte hain but meaning mein wo singular hote hain. Ab meaning mein singular hai to hum singular noun use karenge. We use singular verb aana chahiye yahan pe. सॉरी मिस्टेक है, कोई बात नहीं. सिंगुलर वर्ब विद सच नाउन्स एग्जाम्पल्स मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स मीजल्स फिजिक्स बिलियर्ड्स ये नेम है. सो इनके साथ हमेशा एस लगता है, एस लगेगा तो इट मीन्स. बट मैथमेटिक्स का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे मैथ्स, नहीं, मैथ्स को मैथमेटिक्स ही बोलते हैं. फिजिक्स बिलियर्ड्स मीजल्स स्टैटिस्टिक्स यही हम इन्हें बोलते हैं. तो इन ये दिख रहे हैं हमें कि प्लूरल हैं, बट दिज आर नॉट प्लूरल, दिज आर सिंगुलर. अब ये सिंगुलर हैं तो इनके साथ हम इज या वॉज मीन्स सिंगुलर वर्ब ही हम इनके साथ यूज़ करेंगे. इसको आप यहाँ ठीक कीजिएगा, यहाँ पर आपका वर्ब आएगा. ओके इसको आप ठीक कर लेना, यहाँ पर वर्ब आएगा सिंगुलर वर्ब. देन सेकेंड क्या है, देखिए सम नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म. अब कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं बट उनका मीनिंग प्लूरल होता है, तो हमें मीनिंग पर जाना है, दिखने पे नहीं जाना. ओके देन वी यूज़ प्लूरल वर्ब, तब हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे विद सच नाउन्स. फॉर एग्जाम्पल पीपल कैटल. पीपल पीपल कैटल एक कैटेगरी नेम है, ग्रुप नेम है. सो इसीलिए यहाँ पर हम इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे. अंडरस्टूड. नाउ वी सी इट्स एग्जांपल्स. नाउ वी कैन सी इट्स एग्जांपल. सी फिजिक्स इज कंसीडर्ड टू बी अ टफ सब्जेक्ट. सो यहाँ पर फिजिक्स आपका. पीपल ऑफ द लोकेलिटी. पीपल ऑफ द लोकेलिटी. लोकेलिटी में जितने भी लोग रहते हैं सबकी बात हो रही है, यानी कि प्लूरल है.
आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट फ्रीक्वेंट पावर कट्स. ओके, सो इसे हमने आर लगाया. द कैटल, अब एक पूरा ग्रुप है कैटल का, उसकी बात हो रही है. द कैटल वर ड्राइवन इन द फार्म. सो यहाँ पे वर्ड यूज किया. बिलियर्ड्स इज फास्ट बिकमिंग पॉपुलर अमंगस्ट यंगस्टर्स. बिलियर्ड्स, सो इट्स अ नेम ऑफ अ गेम. सो एक गेम का नाम है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इज यूज किया. माई न्यू पेयर ऑफ सॉक्स इज वेरी टाइट. माई न्यू पेयर ऑफ सॉक्स, न्यू पेयर, अब यहाँ पे पेयर, एक पेयर की बात हो रही है, सो इसीलिए हमने इज यूज किया. आगे देखिए, माई सॉक्स आर वेरी टाइट. तो यहाँ पे सॉक्स यानी कि दो सॉक्स की बात कर रहा है, दोनों पैरों की जो दो सॉक्स होती हैं उनकी बात हो रही है, यानी प्लूरल हो गया. तो यहाँ पे हमने आर यूज किया. द टर्म सॉरी द टीम हैज प्लान्ड, यहाँ पे पूरी एक टीम एज कलेक्टिव हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, कलेक्टिव नाउन हो गया, कलेक्टिवली हम बात कर रहे हैं, बट एक टीम की बात है. ओके, अ टीम हैज प्लान्ड स्ट्रेटजी टू डिफीट द ओपोनेंट. सो एक टीम की बात है, तो हमने सिंगुलर वर्ब यूज किया. द टीम वर डिवाइडेड ऑन द प्लेइंग स्ट्रेटजी. द टीम वर डिवाइडेड ऑन द प्लेइंग स्ट्रेटजी. सो यहाँ पर टीम को डिवाइड करना है, मीन्स यहाँ पे एक नंबर की बात हो रही है, सो इसीलिए प्लूरल की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमने वर यूज किया. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट. सो दीज आर सिक्स एग्रीमेंट स्टूडेंट्स दैट यू हैव टू लर्न. फर्स्ट लर्न द दीज ऑल एग्रीमेंट्स एंड देन सी दीज एग्जाम्पल्स. ओके, and then try to understand it. Thank you, students.